हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं लाल मिर्ची का अचार बनाने जा रही हूँ, तो आइए बनाने के तरीके को देखते हैं। लाल मिर्ची का अचार बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने 300 ग्राम लाल वाली मिर्ची ली हूँ और ये सूखी वाली मिर्ची, तीखी मिर्ची। इधर धनिया, सरसों काली वाली, राई, पीली वाली सरसों, मेथी दाना। अब इन सबको पहले कढ़ाई में गरम कर लेंगे थोड़ा। तो इधर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, पहले धनिया के सीड डालेंगे, ये थोड़े भून जाएंगे, तब दूसरी वाली डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे पीली वाली सरसों, राई, मेथी दाना। अब इन सबको एक साथ हल्का सा भून लेते हैं। इसी कढ़ाई में करीब 2 चम्मच के करीब सौंफ को भून ले रही हूँ। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसी कढ़ाई में 1 चम्मच अजवाइन सिर्फ गरम करना है, इसे भूनना नहीं है, और आधा चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल भी कहते हैं, तो इसे हम पीसेंगे नहीं, सिर्फ भून कर गरम करके इसको अलग रख लेंगे। सभी मसालों को मैंने इसमें निकाल लिया है और अब इसी कढ़ाई में लाल मिर्च को भी थोड़ा सा भून लेते हैं और सबको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। मसालों को मैंने पीस कर एक बर्तन में निकाल लिया है, अब इसमें अजवाइन और मंगरेल भी डाल देते हैं। मिर्ची को इसी तरह से एक डंठल से इसे अलग कर देना है, कैंची या चाकू की मदद से इस तरह से कट कर करके रखते जा रहे हैं। ये देखिए, अब इसकी बीज को निकाल के मसाला में ही मिक्स कर देंगे, तो सभी मिर्ची का डंठल को अलग करते हैं। मसाला सभी मिक्स कर दिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा आमचूर पाउडर, इससे अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ डाल देते हैं सरसों का तेल, तो अभी थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अचार है तो नमक थोड़ा तेज रहेगा, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, हींग से अचार जो है वो खराब नहीं होता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच काफी है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मिर्ची में मसाला भर लेंगे, चाहे तो आप चम्मच से भी भर सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से हाथ से भी भर सकते हैं। और इसलिए मैं इसमें तेल शुरू में कम डाली क्योंकि भरना आसान होता है। ये देखिए, इस तरह से उंगली से दबा दबा के इसको भर दीजिए। सभी मिर्ची को इसी तरह से भर लेते हैं, इस तरह से सभी मिर्ची को भर लेंगे मसाला, ऐसे रखते जाइए।
इस तरह से मैंने सारे अचार को भर लिए हैं, और कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके भी मसाले में मिक्स करके रख दिए हैं। अब इसे धूप में 3 दिन तक रखेंगे। एक साफ बोतल मैं ले ली हूँ। अब इसमें भरे हुए अचार को डाल देती हूँ। एक एक करके इसमें डालते जाएंगे इस तरह से। आज तीसरा दिन है अचार का, इस तरह से इसमें भर लेते हैं। अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ ऊपर से।